तो छतों के ऊपर बैठे हुए हैं। बात होगी क्योंकि आपने पहले भी मुझसे कहा कि सुनो, मैंने कहा जी आप कहने लगे कि कोई कोड आएगा तो वो मुझे बताइएगा। ये गिरी कैसे थी समझ नहीं आया मुझे। ये मैंने ना गैस लो, पूरी फैमिली का इलाज करना है, ये पूरी फैमिली का, वरना ये जो है स्प्रेड होगी। देखो ये बसें जहाँ भी खड़ी हुई है तो ये लोग ना पता नहीं कहाँ कहाँ से आए, दूर दूर से आए, इसलिए इन लोगों ने बसें करवाई हुई और कुछ लोग तो छतों के ऊपर बैठे हुए हैं। यहाँ से चेक करें कितना ज्यादा है। जी अस्सलाम वालेकुम व बरकातहू, वेलकम बैक हो गया गाइस टू अवर अनदर व्लॉग। और उम्मीद करते हैं गाइस आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, एकदम फर्स्ट क्लास आप सब की दुआओं से। गाइस जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, अभी सुबह सुबह नाश्ता करके अम्मी को ऑफिस ड्रॉप करके घर पहुँचे मैं और फातिमा। तो अभी फौरन से मैंने मेडिसिन खानी है और इसके अलावा फातिमा मेरे लिए गर्मा गर्म कावा बना रही है, तो कावा पीना और फिर ऑफिस पहुँचा है 9 बजे से पहले। तो अभी मेरे पास सिर्फ 30 मिनट है, तो पहले मेडिसिन खाते हैं उसके बाद कावा रेडी हो जाएगा, कावा पीते हैं और फिर ऑफिस पहुँचते हैं। चलो जी फातिमा मेडिसिन लेके आ गए हैं और इसमें गाइस आखिरी की 2 जो है ना गोलियां रह गई हैं, उसके बाद ये भी फिनिश हो जाएगा। दे दे जी पानी। एक चीज आपको नहीं मिल सकती। क्या चीज़ नहीं मिल सकती भाई? कावा। कावा जी? क्यों? क्योंकि गैस नहीं आ रहा। क्या बात हुई, कावे की मुझे आदत डाल दी और कावा जो अभी मुझे शिद्दत से जरूरत है, तो अभी गैस नहीं आ रहा। गैस नहीं आ रहा, जब शाम को आएंगे ना आने से आपके आने से पहले बना दूंगी। और सिलेंडर भी नहीं? सिलेंडर खत्म हो गया कब से। ओ भाई साहब, चलो जी अब क्या कर सकते हैं, कावा स्किप करना पड़ेगा, फिर वापसी पे पिला देना। ऑफिस से आऊंगा ना। आपके ऑफिस में किचन वगैरह नहीं है? किचन भी है, मशीन भी है, कॉफी मशीन। तो भी आप बना लीजिएगा कावा। नहीं जो आप कहा बनाती है ना, लहसुन अदरक पता नहीं क्या डालती है वाली रेसिपी जो ना, वो मुझे पसंद आ गई है, वो काफ़ी मज़ेदार कहवा होता है, मजाक सेट के। वो मुझे खुद को बहुत पसंद है, मैं तो चाय में भी अदरक थोड़ी सी डाल के फिर पीती। क्या अदरक डालती हूँ उसमें? चाय जो अपने लिए बनाती हूँ ना। नहीं नहीं, जो आप कहवा बना रही है 2 दिन से। हाँ उसमें अदरक होती है। अदरक होती है जी। तो काफ़ी मज़ेदार कहवा होता है। वो मेरा फेवरेट कहवा है। वो अब मेरा भी फेवरेट है काफ़ी। चलें जी अभी मेडिसिन खा के जो ना ऑफिस जाना पड़ेगा। आप प्लीज मिलते हैं शाम में, ठीक है? अपना ख्याल रखना। अल्लाह शाम से जाइएगा और बाइक आहिस्ता चलाइएगा। चलो ओके मैडम। अरे हेलमेट दे, मुझे भूल गया मैं। हेलमेट जो ना मैंने यहाँ पर रख दिया था, आज दूसरा दिन है ना हेलमेट पहन के जा रहा हूँ, अभी आदत नहीं हुई। आदत हो जाएगी। हाँ आहिस्ता आहिस्ता ना आप याद दिलाती रहे ना तो आदत हो जाएगी। चलें जी एक अच्छा काम कर दे के बाइक चलाते हुए मैं हेलमेट वेयर करके जाता हूँ, इससे जो ना सेफ्टी भी होती है और डस्ट से भी बचत हो जाती है। ओके बाय बाय। तो अभी जो है मेरे हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं और इसी के साथ अम्मी भी ऑफिस चली गई हैं, तो अभी अम्मी के रूम की सफाई करते हैं, किचन की भी सफाई करते हैं, जो कपड़े सूख चुके हैं उनको भी फोल्ड करते हैं और इस जगह को भी नीट एंड क्लीन करते हैं, क्योंकि ये जगह बहुत ही ख़राब हुई पड़ी है क्योंकि कल कपड़े धोए थे। तो अभी वॉशिंग मशीन को भी उसकी जगह पर सेट करते हैं और फिर जान ये जगह भी साफ़ करते हैं। चलें जी अभी काम शुरू करते हैं, सफाई और बर्तन वगैरह वॉश कर लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे कपड़े फोल्ड। तो अभी जो है मैंने किचन की सफाई भी कर ली है, बर्तन भी वॉश कर लिए हैं, उनकी भी सफाई कर ली है, इस जगह अकेले मैंने सफाई कर दी है और यहाँ पर जो कपड़े थे उनको भी उतार लिए, बाकी ये थोड़े बहुत कपड़े हैं जो अभी तक भी गीले हैं, बाकी यहाँ के सारे मैंने सफाई कर ली है। तो अब बार ये कपड़ों की तन कपड़ों को भी फोल्ड करते हैं और यहाँ पर फोल्ड करके रख दें, और ये कपड़े भाई और भाभी के, तो अभी भाई और भाभी सो रहे हैं, जब वो उठ जाएंगे तो फिर उनको चलकर दे देंगे। कि काम खत्म हो चुका है तो अभी बारी है रूम की, कपड़े हमारे सूख चुके थे तो वो भी यहाँ पर फोल्ड हो चुके हैं, तो अभी इनको भी अलमारी में सेट करके रखते हैं। फिर मैं आई हूँ छत पर क्योंकि सुबह हम चले गए थे बाहर और वापसी पर मुझे दाना पानी डालना था परिंदों को, तो मैं भूल गई थी, तो अभी मुझे याद आया तो अभी मैं लेकर आई पानी और दाना, तो जल्दी से डाल दें। तो यहाँ पर मैंने दाना भी डाल दिया, पानी भी डाल दिए और आज धूप भी कड़क हो रही है, तो अभी चलते हैं नीचे। तो घर का सारा काम हो चुका है ख़त्म, तो अभी मैं बना रही हूँ चने की दाल का सालन, और यहाँ पर मैंने चने की दाल भी ले ली है, तो अभी इसे वॉश करते हैं क्योंकि कल शाम से गैस नहीं आ रहा था, तो अभी आ चुके हैं 11 बजे, अभी गैस आ चुके हैं तो सालन बना लेते हैं, उसके बाद कहीं चला ना जाए तो इसलिए टाइम से बना लेते हैं, उसके बाद जुम्मा नमाज का टाइम होगा तो वो भी अदा करेंगे, पहले सालन बना लेते हैं। Thank you.
चलें जी। तो यहाँ पर हमारा सालन हो चुका है तैयार, और इसी के साथ जो थोड़ा बहुत किचन ख़राब हो चुका था तो मैंने उसे साफ़ कर लिए, और जो बर्तन यूज़ हुए थे उनको भी मैंने वॉश कर लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हमारी टू फैमिली, उम्मीद करते कि आप सब लोग ठीक होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है जुम्मा, और आप सब लोगों को बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। तो अभी मैंने जुम्मा की नमाज़ भी अदा कर ली है, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि की जो भी रूटीन होगी वो भी आप सब लोगों के साथ शेयर करेंगे। अच्छा जी, ऑफिस जाते हुए मेडिकल स्टोर पर बता दीजिए, फातिमा ने अपना हाथ मिलाकर बैठने के लिए नहीं मिली थी। तो जी अभी घर पहुँचा हूँ, सबसे पहले जो ना आप मुझे अपना हाथ दिखाएं। हाथ दिखाने के लायक ही नहीं है। दिखाएं मुझे हाथ, दिखाएं कहाँ है, दिखाएं तो सही। दर्द होता है, नहीं दिखाना। दिखाने से कौन सा दर्द होगा, वो हिल नहीं रहा ना, बिल्कुल हिल नहीं रहा। और दूसरी बात, मेरा कसूर है इसमें, मैं बेचारा ऑफिस बैठा हूँ तो मेरा क्या कसूर है। जब मैंने मैसेज किया तो आप जब फ्री हो तब देखना, चाय बनाते हुए मैसेज मेरा क्यों देख रही है। तो आप उसी टाइम कर रहे थे, तो उसी टाइम तो आप बोल देती मैं चाय बना रही हूँ। मैसेज में आपने लिखा है सुनो, मैंने कहा शायद इम्पोर्टेंट कोई बात होगी, क्योंकि आपने पहले भी मुझसे कहा कि सुनो, मैंने कहा जी आप कहने लगे कि कोई कोड आएगा तो वो मुझे बताइएगा। हाँ वो तो इम्पोर्टेंट है सुबह, तो मैंने समझा शायद अब भी वही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि उस टाइम कोड नहीं आ रहा था ना, तो आपने कहा चलो छोड़ दो। फिर मैंने कहा शायद आप अभी भी कोड का कुछ पूछेंगे, इसलिए मैंने कहा चलो मैं चलो अभी हाथ दिखाओ। ये आपके लिए चीज़ें लाया हूँ मैं, और साथ ही में ना ये मैं क्रीम लाया हूँ इस पर लगाने के लिए, ये वाली क्रीम जो है ना येलो वाली, इस पर लगाएं। आपने टूथपेस्ट लगाया जो मैंने बताया था? नहीं, मेरा हाथ बर्दाश्त नहीं कर रहा। चलो अभी मैं लगाता हूँ ये वाली क्रीम है ना, ये अगर जो ना चाय वगैरह गिर जाए या जल जाए ना हाथ, उस पे लगाते हैं। मेरा हाथ नहीं बर्दाश्त कर रहा, आपका कहाँ से करेगा। मतलब मैं कह रहा हूँ कि मैं लगा दूंगा, दिखाओ तो सही। दिखाने के लायक नहीं है। क्यों, मतलब क्या ऐसा क्या हुआ है जो दिखाने के लायक नहीं है? बहुत जल गया। बहुत जल गए, दिखाओ दिखाओ। मैं तो आपके लिए क्रीम लाया हूँ लगाने के लिए। अम्मी फौरन से ऑफिस आई हैं, ना अम्मी ने पढ़ सके ना कुछ, ना सांस ले, और फौरन से आगे पूछते हैं बुखार तो नहीं है। मुझे बुखार नहीं है, आज आपकी जो ना बहू अपना हाथ जला के बैठी हुई है। कैसे? चाय बनाते हुए मैंने मैसेज किया, मेरा मैसेज देखते हुए ना इन्होंने चाय बेध्यानी में अपने हाथ पे गिरा दी, पूरे चूल्हे पे गिरी। मैंने गिराई नहीं है, फिर वो गिर गई थी। चलो अभी हाथ तो चाय करी थी और चाय गिर गई। चलो अभी हाथ तो दिखाओ मुझे और अम्मी को। नहीं दिखाना। अच्छा बात भी देखते हैं, सांस ले। आप बैठे, आप बैठे, मैं देखता हूँ इसका हाथ। मैं भी बिल्कुल अभी पहुँचा हूँ। अच्छा, मैं कह रही थी आवाज आ रही थी ना। हाँ, आप खुश हो गए होंगे कि भाई आज जो ना ये आ गया घर, जल्दी आया। मैं इसलिए आया क्योंकि मैंने बोला इसका हाथ जला हुआ, इसने पता नहीं कुछ लगा नहीं लगा, मैं इसके लिए ना एक क्रीम लाया हुई। सुबह आपको बोल रहे थे ना कि मेरी तबीयत खराब है ना, बुखार लग रहे। हाँ नहीं, मेडिसिन खा रही थी, ठीक हो गई थी। चले आप रेस्ट करें, रेस्ट करें, हम आ रहे हैं, बस आप रेस्ट करें, ठीक है। हाँ आप दिखाओ, ठीक है। नहीं डांटूंगा, नहीं डांटूंगा, पहले कभी डांटे मैंने आपको? क्या बताओ, डांटने नहीं डांटूंगा, दिखाओ। सोच ले, सोच लिया, समझ लिया, और बोल भी रहा हूँ कि नहीं डांटूंगा। पक्की बात है, पक्की बात है, पक्की बात है भाई, पक्की बात है, नहीं डांटूंगा। हाँ जलाए नहीं। तो वो क्या था, वो जो चाय गिरी हुई थी और जो आपने पिक्चर्स भेजी थी? चाय तो गिरी थी, और फिर हाथ लाल कैसे किया था? बस कर लिया। वाकई नहीं चला? नहीं। चलो यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे लगा शायद वाकई हाथ जल गया, क्योंकि आपने मैंने आपको ना मैसेज भी किया था, मैंने कहा सॉरी शायद आप नहीं समझे। मैं समझा नहीं, फिर भी नहीं समझा, आप क्या कहना चाह रही हैं? आज जला नहीं था मेरा, दिखाओ, बच गया था जितने से वैसे। तो ये लाल तो हुआ भाई? हाँ ये थोड़ी सी गिरी थी, लेकिन जो आपने पिक्चर भेजी थी उसमें तो पूरा लाल था हाथ। हाँ थोड़ी सी गिरी थी ना। लगा लो ये सी के लिए, पहले थोड़ी सी गिरी थी, जो भी गिरी थी अब मैं लेके आया, इसको लगाओ ऊपर। आपका हाथ लाल हो रहा है वैसे, दिखाओ। हाँ लाल हो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन उस वक्त ना फुल लाल था, जो आपने मुझे पिक्चर भेजी थी ना, आपका हाथ इतना फुल रेड था। पिक्चर दिखाओ, वो गिरी थी ना चाय। हाँ तो मैंने फौरन से नमक लगा लिया था। नमक कौन लगाता है, टूथपेस्ट लगाना था। मैंने अगर इस्त्री लग जाए या कुछ भी, बचपन से मैंने सुना है मेरे हाथों में ना एक बार इस्त्री लग गई थी गरम गरम, अम्मी यूनिफॉर्म इस्त्री करनी थी, उन्होंने इस्त्री ना स्ट्रेट रखी हुई थी, मैंने खेलते खेलते ना उस पर ना हाथ रख बैठा इस्त्री पे, फिर जो ना उसके बाद जो ना मेरी चीखें थी, फिर जो ना उसका हल क्या हुआ, उन्होंने ना टूथपेस्ट लगाई, तो टूथपेस्ट जैसे वो टूथपेस्ट तो उससे ज्यादा जल मुझे ज्यादा होती है, लेकिन अभी फिलहाल ना इसको गीला नहीं करना, अभी आपके हाथ रेड हो रहे हैं, उस वक्त तो फुल रेड हुए थे जब आपने पिक्चर भेजी थी। अब पिक्चर दिखाओ,
चलो अभी ये आइसक्रीम मेल्ट हो रही है आपकी आइसक्रीम से, इसमें कुछ चीज़ें भी हैं आपकी, जो जेलीज भी हैं, आइसक्रीम भी है, ये आपके लिए लाए, ये आप खाएं और ये भी लगाएं। ये सेवेंटी भी आप लाल कलर की लाए, आपको स्पाइसी चीज़ें पसंद है ना, तो आप लाल कलर की लाए, आपने कहा हाथ तो जले साथ में सेवेंटी भी लाल कलर की। नहीं वैसे स्पाइसी होती है ना, मुझे भी रेड पसंद है, बाकी वो फीकी फीकी होती हैं, ग्रीन वाली और ब्लू वाली। चलो एक काम करो, आइसक्रीम रखते हो पहले मेल्ट ना हो जाए, फिर जो है मैं खुद ही लगा दूँगा आपको क्रीम, सही है। ये देखें गाइस, इसका हाथ जो है ना फुल रेड हो गया था चाय गिरने के बाद, देखें। और ये चाय की फोटो, ये देखें, ये गिरी कैसे थी समझ नहीं आ मुझे। ये मैंने ना गैस स्लो किया हुआ था, ये तो आपका हाथ जो है ना फुल रेड हो रहा है, अब सही हो गया, पहले तो फुल रेड हो गया था। नमक लगाया था बहुत सारा। नमक कौन लगाता है? मैं नमक लगाती हूं। नमक से तो और जो है मेरे ख्याल से जलन हो रही होगी, तकरीबन थोड़ी सी होती है। चलो आ जाओ मैं आपको क्रीम लगा दूं। A few inches later. गाइस ये प्रैंक था, ये ऑफ कैमरा मुझे बताया गया है कि इनका हाथ नहीं जला गया था, ये जो पिक्चर है ना इन्होंने लिपस्टिक लगाई है, ये देखें। और ये चाय गिरने वाला भी जो ना ये क्या था, चाय तो वाकई में गिरी थी, हाथ ज्यादा ऐसे नहीं जला था हाथ तो। भी रेड क्यों, लिपस्टिक अभी तक लगी हुई है? नहीं, ये देखो रेड हो रहा है अभी भी, ये देखो। लेकिन खैर जो भी है ना, ये प्रैंक मैं सीरियस ले लिया, मैं जो ना आपके लिए क्रीम लाया था, पता नहीं कौन सी क्रीम है, येलो कलर की, ये आपका आइडिया कैसे आया? दरअसल चाय गिरी थी और मैंने आपके पास पिक्चर भेजी थी ना। किस चीज की? चाय की, चाय गिर गई है। ठीक है, फिर आपने सोचा कि आप पिक्चर के साथ ना मैं थोड़ा सा इसके साथ ना प्रैंक कर लेती हूँ, तो मैंने आपको मैसेज भी तो किया था सॉरी का। अब मुझे क्या लगा, मैं तो आपको जो है उस वक्त बोल रहा था कि आप जो है ख्याल से किया करें, आप जो है मैं मैसेज क्यों देख रही थी, आपने बोला ना मैं आपको मैसेज देख रही थी आपकी वजह से हुआ है, तो आपने सॉरी किया, मुझे शायद लगा कि मैंने आपको समझाया उस बात पे सॉरी कर रही है, क्योंकि आपने पिक्चर भेजी उसके बाद कितना बड़ा वॉइस नोट भेजा है आप जी, तो मुझे लगा था शायद आप उस बात पे सॉरी करें कि आपको ख्याल रखना चाहिए था। मैंने कहा चाय तो कुदरती गिरी गया, चलो थोड़ा सा प्रैंक ही कर लेते हैं, क्योंकि काफी दिनों से कोई प्रैंक नहीं किया, सॉरी। कोई नहीं, और चाय इतनी मजेदार बनाई थी, वो सारी आपकी वजह से गिर गई थी, तो सारी बात। अच्छा, चाय मेरी वजह से गिरी थी, अभी भी मेरी वजह से गाइस चाय भी गिरी है और हाथ भी उस वक्त मेरी वजह से जला था, सब कुछ मेरी, तो मैं बेचारा ऑफिस में अपना काम कर रहा हूँ, मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, घर पे कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, लाइट गई थी मेरी वजह से गई होगी ना, हाँ लाइट गई थी मेरी वजह से गई थी ना। हाँ मेरा कसूर, अगर आपने मैसेज किया था तो मैं रिप्लाई ना करती, और चाय ना गिरती तो ये प्रैंक नहीं होता, ये प्रैंक नहीं होता तो परेशान ना होते, तो परेशान ना होते क्रीम ना आती। क्या बात है, इससे पहले आपकी जो आइसक्रीम सामने लाए हो ना वो मेल्ट हो जाए, आप जाके फौरन से इसको उठाएं, फ्रिज में रखें, खानी है तो खाएं या तो फ्रिज में रख दें। ठीक है, आपको कावा बना दो क्योंकि गैस आ चुका है। हाँ निकी और पूछ जल्दी से कावा बना के लाएं, क्योंकि आपका कावा इतनी मेहनत मशक्कत की है तो इसके लिए। चलो खैर है, ये जो ना रख दें, फिर कभी काम आ जाती है, घर में होनी चाहिए ऐसी चीजें, ये रख दें, सही है। चलो ठीक है। अच्छा जी, अभी अम्मी के रूम में आया हूँ, तो यहाँ पर जो ना अम्मी के साथ जो है ना बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े व्लॉगर्स बैठे हुए हैं, क्या हाल है? ठीक हाल है, मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी आप बताएं, सुनाएं क्या हाल हवाल है? सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है। हाँ। सुबह सुनाए, सुबह लेट तो नहीं हो गई थी ऑफिस जब जॉब के तरफ, कुछ कहा तो नहीं? नहीं टाइम से पहुँचवा देता। चलो फिर ठीक है, मतलब आपकी ऑफिस की टाइमिंग समझ नहीं आती, 8 बजे 8:30 बजे सब 8 बजे है, 8 बजे 5-10 मिनट लेट हो जाए तो कोई मसला नहीं। अच्छा 5-10 मिनट 15 मिनट की एग्जेम्पशन है, मतलब आप 15 मिनट लेट चले जाए तो वो थोड़ी सी जो छूट है। चलो ये भी ठीक है, हमारे ऑफिस में लेकिन ऐसा नहीं, हमारे ऑफिस में अगर मुझे 9 बजे जाना होता है ना तो 8:55 पे लॉग इन करना होगा, वहाँ पर मशीन लगी थी ना तो उसमें जाकर चेक इन करना। मशीन हमारी भी लगी हुई है। अच्छा, मगर ये है कि अभी उनको पता है ना कि मैं आती जाती बस, पहले बस पे आती जाती थी ना, सही, तो बस लेट भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी कि फिक्स टाइम पे बस भी फिक्स टाइम पे पहुँचा। हाँ ये भी है। चलो भाई ठीक हो गया, और आप सुना भाई आपकी जो ना अटेंडेंस सही जा रही है? जी सही जा रही है, सही जा रही है। चलो चलो आप ठीक है आप जी। चलो चले अम्मी, अभी मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास फॉलोअप पे, एक हफ्ता हो गया ना स्किन के डॉक्टर के पास, तो उन्होंने बोला था एक हफ्ते बाद फॉलोअप पे आ जाना, तो उनको जाके जो अभी बेहतरी तो आ गई गाइस, लेकिन फिर भी जो ना उनको जाके जो ना अपडेट देते हैं और उनसे तो फॉलोअप लेते हैं, क्या सीन है अब आगे, क्या प्रोसीजर है, बस मेडिकेशन जो थी वो ख़त्म हो गई हैं, आगे फर्दर कुछ और भी करना है, तो डॉक्टर से आपके पास जाके अपडेट लेते हैं। 1500 की खैर है भाई, लेकिन जो है ना ये जो है प्रॉपर मैं ठीक हो जाऊँ, रिकवर हो जाऊँ, स्किन जो इन्फेक्शन हुआ था तो सुकून मिलेगा। बाकी गले की अपडेट ये है भाई, कावा शावा पी रहा हूँ मैं, सुबह जोशांदा पिया तो गला अभी काफ़ी बेहतर हो गया अलहमदिल्ला।
Few moments later. फॉलोअप के लिए आए थे डॉक्टर साहब के पास और डॉक्टर साहब ने जो एक वीक के लिए मसीज जो ना मेडिसिन और ये जो ना लोशन वगैरह लगाने का कहा है, बस उसके बाद छुटकारा hopefully इंशाल्लाह। बस ये गले के लिए ना थोड़ा मसला हो गया था जिसकी वजह से ना मैंने एक आध दिन स्किप की थी इसको, लेकिन पूरी फैमिली का इलाज करना है ये इम्पोर्टेंट, पूरी फैमिली का वरना ये जो है स्प्रेड होगी। हाँ, ये घूम फिर के वापस मेरे पास भी आ सकती है। उससे पहले आपका और खर्चा कराएगी फैमिली वालों का। तो मतलब कि अभी फैमिली को तो सारी मेडिसिन वगैरह नहीं चाहिए होंगी, जस्ट आपने जो लास्ट लोशन बताया लोशन से रेडिकेशन के लिए। चलो भाई, जो इन्फेक्शन हुआ था स्किन ये जो ना स्प्रेड होने वाला है, इससे ये हुआ कि अगर मुझे हुआ ना तो मुझसे जो ना ये स्प्रेड होके वाइफ को हो सकता है, वाइफ से होके मतलब पूरी फैमिली को जो ना स्प्रेड होता रहेगा। तो इसके लिए डॉक्टर साहब ने हमें रिकमेंड किया है कि भाई आप तो अपने इससे छुटकारा पा रहे हो, लेकिन जो ना ये आपके घर वालों में से किसी को भी हो सकता है या हो भी चुका होगा, लेकिन बाद में उसके जो ना रिएक्शन आते हैं। तो इस वजह से ना अब जो ना मुझे एक लोशन रिकमेंड किया है जो कि अब जो ना आपने भी यूज़ करना है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब ने आपको भी कहा है। तो अभी ये इन्फेक्शन है ये कॉस्मेटोलॉजिस्ट से रिलेटेड है, डर्मेटोलॉजिस्ट है। हाँ, जिस फेस की आप बात कर रहे हैं वो कॉस्मेटिक। अच्छा, वो कॉस्मेटिक्स। सही है सही है जी। आपसे सर रब्ता रहेगा और इंशाल्लाह आपके जो ना जो दूसरा स्किन वाला हॉस्पिटल ना वहाँ भी विजिट करेंगे। फिलहाल इससे छुटकारा पा लो ना इंशाल्लाह। जो ना आजकल सोचा मैं अपनी स्किन पे वर्कआउट करूँ, मतलब ये कि वो वाला वर्कआउट नहीं नेचुरल वाला। हाँ हाँ नेचुरल। चलें ठीक है, सिंपल कॉस्मेटोलॉजी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अभी नेक्स्ट वीक चक्कर लगाने फॉलोअप के लिए या बस दैट्स इट? डिपेंड्स हां, कि 1 टू वीक्स के बाद ज्यादा रहता है। डिपेंड्स ऑन रिजल्ट। हां, तो ये है कि आप वहीं चक्कर लगाएं। चलें ठीक है, उसमें ये हो जाएगा कि हम सारी चीजों को देख लेंगे। सही है, सारी कुछ चीजें डिस्कस किए डॉक्टर साहब से जो कि वहां जाके डिस्कस करेंगे इनके। चले वहाँ पर आके डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, चले जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, ओके। 10 बज चुके हैं और 10 बजे ना ये पूरा डिपार्टमेंट बंद हो जाता है। 10 बजे के बाद सिर्फ इमरजेंसी ओपन होता है जो कि सामने की तरफ है। अच्छा जी, यहाँ से पकड़ लेते हैं मेडिसिन। कैसे हैं? अच्छा है। तो गाइस, आज हम जो है ना बड़े दिनों बाद यहाँ पर आए और आज हम यहाँ पर कुछ खाने पीने नहीं आए, घर से हम खाना खा के आए थे। तो फातिमा ने सिर्फ यहाँ से बनाना शेक पीना था, तो अब फातिमा बनाना शेक पी ले, उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे। अब घर जाना है या कहीं और चले? घर चल रहे हैं, नींद आ रही ना जी? आप भी सुबह से उठेंगे मेरे साथ 6 बजे? हाँ, लेकिन दिन में गर्मी नहीं पड़ी थी ना आज। गाइस, जैसा कि मैंने अभी अपनी रूटीन बेहतर करनी है और रात के टाइम सोना है और सुबह मैं कोई 5:45 या 6 बजे उठा था और उसके बाद जो है ना अब तक मैं नहीं सोया। ऑफिस से आने के बाद मैं सो जाता था, लेकिन आज जो मैंने पूरी नींद पर कंट्रोल किया और अभी 11 बजे, तो सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक बिल्कुल नहीं सोया। तो अभी यहाँ से सीधा घर जाना है और जो ना घर जाके मेडिसिन खानी और फिर बेड पे लेटना है और सोना है और सुबह ही उठना है। भाई हालत काफ़ी टैट हो गई है भाई। गाइस, इसको पता नहीं क्या हो गया था, इतनी सारी मेडिसिन लिए ना तो इसे मेडिसिन देख के ना चक्कर आने लग गए। वो तो आप कहती थी मैं तो जो ना 4-4 गोली एक साथ खा लेती हूँ। हाँ खा लेगी 4-4? गाइस, जब मैं पैनाडोल खा रहा होता ना तो 2 पैनाडोल ले लेती थी, तो मुझे कहती थी कि 2 पैनाडोल एक साथ जो ना मुँह में डालो और पानी पी लो। मैंने बोला भाई क्या हो गया, ये जो गले में फंस जाएंगी 2 पैनाडोल एक साथ? तो कहती है मैं करके दिखाऊंगी। तो आज देखते हैं भाई कैसे मेडिसिन खाती है। मुझे कहती है 2-2 एक साथ खा लो। और मैंने 6 भी खा ली थी एक साथ, मतलब आप 6 मुंह में डालती हैं? जब मुझे दिसंबर में बुखार हुआ था ना शादी से पहले जी, मुझे अच्छे से याद है। हाँ, फिर देखा मुझे मालूम चल गया था, व्लॉग के अलावा मुझे अपडेट मिल जाती थी। तो ना इतनी सारी मेडिसिन थी, ये मेरा पूरा मुंह जो ना भर गया था दानी से। ऐसा क्या हो गया था भाई? सारा पक गया था। तो आप ये कह रही हैं कि आप 6 टेबलेट एक साथ जो है ना मुँह में डाल देती और उसे जो है खा जाती थी? क्या बात है भाई। तो उसके पानी पीने को भी तरसती थी। क्यों? क्योंकि पानी में कतरा जाता था। अच्छा, स्टोर लगा के दी थी जी। लेकिन फिर मेडिसिन 6-6 कैसे खाते थे एक साथ? मेडिसिन मुँह में डाल देती थी। 6 एक साथ डाल के वो खा जाते थे?
बड़ी शॉकिंग बात लग रही है भाई मुझे। ये कह रही है कि पानी भी स्टोव के जरिए पी रही थी क्योंकि मुंह पूरा पका हुआ था, लेकिन मेडिसिन जो है 6 एक साथ खाती थी और उसे जो खा जाती थी। और ये लाइक मुझे फर्स्ट टाइम बुखार आया था, तो 20 दिन 15 दिन में बुखार आया। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम होती हैं, जैसे फर्स्ट टाइम मुझे स्किन इन्फेक्शन हुआ है और ये एक वीक हो गया मैंने मेडिकेशंस लिए, लोशंस लगाए और अब जो है दूसरा वीक जो है सेम एज इट इज़ रिपीट करना है। तो लाइफ में ये फर्स्ट टाइम मुझे स्किन इन्फेक्शन हुआ है, तो इंशाल्लाह ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ही होगा। तो चले जी अभी जो है साथ में जूस पी लिया, चले भाई कर देना। तो यहाँ से अभी हम ले जाए जूस। तेरा नाम क्या तेरा? क्या बात है, कह रहा तो सुना दे। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। The next day. अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर एंड वेलकम बैक हो गया जी टू द सेम व्लॉग। गाइस अभी अम्मी को ऑफिस ड्रॉप करने जा रहा हूँ और फिर उसके बाद अपने ऑफिस जाऊँगा और कल व्लॉग एंड नहीं कर सका था क्योंकि घर आया मेडिसिन कहीं और फिर मैं सो गया। तो ये व्लॉग यहीं पर एंड करूंगा और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा, टाटा लाफिज़।